बेहतरीन होता है, आप एंजॉय करते हैं। आपने सुबह से तकरीरी मुकाबले और डिबेट देखा, ये भी आप एंजॉय करिए। और मैं बात को मुख्तसर करते हुए जरीना साहिबा को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, जो आज के इस जीके की स्कोरर रहेंगी। और मजदर मुलाजी साहब आप बहुत दूर दूर रहते हैं, आप करीब बैठे हमारे, तो मजदर मुलाजी साहब भी हमारे पास आए, जो टाइमर देखेंगे। तो ये दो हजरत आप हमारे आज के एंकर हैं, उनका साथ देंगे। आपको एक बात बताता चलूं, आज के इस प्रोग्राम के एंकर बहुत ही जानी मानी शख्सियत कोकन की, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है कोकनी माउंटेनर। और आपको एक बात बताता चलूं कि पिछले पिछले एक आध महीने में एक उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी यूट्यूब के ऊपर, वो शाही मस्जिद दाबोल। और ये शाही मस्जिद दाबोल जो तकरीबन आपको यकीन नहीं आएगा 8 या 10 दिन में 73,000 लोगों ने देखेगी, इसके लिए सर के लिए ताली बजाना आपको जरूरी है। मैं समझता हूँ 73,000 लोगों ने देखना कोई मामूली बात नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट्री में आवाज मेरी थी, तो लोगों ने बहुत कुछ उस डॉक्यूमेंट्री की तारीफ की। तो कभी भी आप वो चैनल आप देख सकते हैं, बहुत ही मालूमात उसमें मिलती है कोकन के ताल्लुक से और दुनिया भर के ताल्लुक से। तो वक्त को जाया न करते हुए आज के इस प्रोग्राम के एंकर, बहुत जोरदार तालियों से अखलाक नागोटे सर का हम लोग खैर मकदम करते हैं। आइए अखलाक भाई, ये बच्चे, ये प्रोग्राम आपके हवाले। थैंक यू सर। कमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डिबेट बहुत अच्छा कामयाब रहा आपका। और कमान मांडलेकर साहब का चैनल है जिसमें कोकनी अच्छी नज़में, अच्छे कतार, बहुत सारी चीजें हैं और ग्लोबली देखा जा रहा है, उनको भी सब्सक्राइब करें, कमान मांडलेकर के नाम से ही है। तो थैंक यू सर। 9 मुकाबले हुए और आखिर ये 10वां मुकाबला है। मैंने माना आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन असाचिजा ने जिस बच्चे को जिस मुकाबले के लिए सिलेक्ट किया उसने उसमें हिस्सा लिया, उसी तरह से असाचिजा ने इनको जीके के लिए सिलेक्ट किया, उनको इस अहल, इस लायक, इस काबिल समझा। तो हमारे लिए मुकाबला इन लोगों के दरमियान है, इनके और आपके दरमियान नहीं है। आपके पास जो भी नॉलेज है, बीच में कोई सवाल का जवाब न आप देंगे, न कोई दोहराएंगे, न आपस में बात करें कि यहां तक आवाज पहुंचे, ठीक है। जिस तरह सुबह से आपने साथ दिया है, आखिरी मुकाबले की भी साथ दें और इन टैलेंटेड बच्चों का आप इस्तेमाल करें अपनी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू, बैठ जाइए बच्चों। पहला राउंड होगा दरीना जी, कल कितने सेकंड का लिए थे हमने? 30 सेकंड का, हाफ मिनट के अंदर आपको जवाब देना है, उसूल सुन लो, आधे मिनट के अंदर सवाल का जवाब देना है। सेकंड राउंड में 20 सेकंड, कितने सेकंड? और तीसरे राउंड में 15 सेकंड लिए थे छेड़ में कल, तो 30 पहले राउंड के लिए, दूसरे राउंड के लिए 20 सेकंड, तीसरे राउंड के लिए 15 सेकंड, उतने टाइम में जवाब देना है। जैसे ही मेरा सवाल पूछना खत्म हो गया, आपका वक्त वहीं से शुरू होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं सवाल पूछा हूँ उसको मजीद में समझाते रहता हूँ, ताकि वो आप उस जवाब के करीब पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूछते ही जा रहा हूँ, आपका टाइम तो शुरू हो चुका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप करीब पूछे, दिमाग पे जोर दें। कल भी एक बच्ची को मैंने कहा दिमाग पे जोर दे, उसे सही जवाब दिया और वो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे इनाम में आ गई, अगले 3 मुकम्मल उसने राउंड जीत लिए मुस्तकिल। तो थोड़ा सा मेरा काम है पुशअप करना, और ये सभी बच्चे हमारे अपने हैं, ठीक है, हमारे अपने बच्चे हैं। आप जवाब गलत दिए तो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो मुंह खोलिए, जवाब देना आपने। कभी पहला जवाब गलत दिया, आपका वक्त बचा हुआ है, घंटी नहीं बजी है, तो मैं कोशिश करता हूँ बताता हूँ ये गलत है, तो मौका फिर भी मैं देता हूँ, भाई आप भी तो कोई सही बताओ, जब तक आपका टाइम खत्म हो तब तक मैं आपको कोशिश करता हूँ धकेलने की। तो मेरी कोशिश ये रहती है, आप भी मेरे साथ देंगे ना, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं साइंस मजमून पर सवाल। आप 3 राउंड होंगे, एक पहला साइंस का, फिर दूसरा कोई और सब्जेक्ट का आएगा, फिर तीसरा आएगा,
तीन राउंड में जो हाईएस्ट मार्क लेंगे, अगर लगता है तीन मार्क मतलब एक सही जवाब पे 10 मार्क है, जिसने जवाब गलत दिया या नहीं दिया तो 0 मार्क है, तो तीन मार्क तीन सवाल के सही जवाब दे तो 30, तो 30 वाले जो कौन ज्यादा रहेंगे फिर अगला मुकाबला 3 राउंड के बाद उनके दरमियान होगा। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले किस साइंसदान को इलेक्ट्रोफिजिक्स में नुमाया खिदमत पर नोबल इनाम से नवाजा गया? आपका वक्त शुरू हो गया 30 सेकंड का। हिंदुस्तान में पैदा होने कंट्री मालूम पड़ी, साइंसदान थे, इलेक्ट्रोफिजिक्स के थे, अच्छी खिदमत दी इसलिए उनको नोबल इनाम मिला। बस वो प्रोफेसर साहब का नाम बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम जी? नहीं सर, टाइम आपका खत्म हो गया। हाँ सर, आप मौलाना कुछ बता रहे थे, हाथ ऐसे अंगड़ा ही ले रहे थे। मैं इतना फौरन बोला मौलाना बता रहे हैं तो मौलाना, उनका नाम था प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब। आपके लिए कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम बताइए। अंतुल है ना, बोलिए कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम बताइए। और भी नाम है कैल्शियम सल्फेट का। वक्त शुरू है, आप दो दो टाइम के पर बैठे हुए हैं, एक स्कोरर है मतलब। बोलिए कुछ तो बोलिए। यांच्या घराचा प्लास्टर झालेला प्लास्टर ऑफ पॅरिस बोलते ती, तो लोक हनीमून के लिए भी जाते हैं। प्लास्टर ऑफ लंदन बोलते ती, ये प्लास्टर ऑफ जो चुना मार के छोड़ दिया आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शकर शुगर है ना, यानी चीनी, उसका कीमियाई नाम क्या है? सुक्रोज। सही जवाब, ने खूब गोश्त खिलाया। सोने की खासियत नापने की इकाई क्या है? सोने की खासियत नापने की इकाई क्या है बोलो। 19 मिसकाल तो कोकन में बहुत चलते हैं शादी ब्याह में, 7 तोले सोना नहीं तो नोरी देना ना है, और मंगती नकली निकते हम तेजे तसा जैला होता। बोला काय सगले निशानात पड़ा कहरे, यस इसको किरात कहते हैं। कैसे हजरत, क्या नाम आपका? असदुल्ला। मकसूद खान, मसूद खान। असद साहब, आंखों के कौन से हिस्से से आप मुख्तलिफ रंगों को देख सकते हैं? रेटिना। बहुत अच्छे, तालियां। फ्रूट खाती हैं आप? माशाल्लाह, कितनी अच्छी प्यारी सी मुस्कुराहट हमारे बच्चे ने, ऐसा डरना नहीं है। अंगूर खाए, खट्टे भी होते हैं ना। ओके, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? बहुत सही जवाब। शर्माइए नहीं, ऐसा माइक हेलो बोलिए। हेलो। हाँ हाय। इलेक्ट्रिक बल्ब को किस गैस से भरा जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब से, तो बल्ब को किस गैस से भरा जाता है? वक्त शुरू हो गया आपका। जी बोलिए ना, कोई तो गैस बोलिए। वक्त खत्म हो गया, कौन बता रहे? सिलेंडर सर। हाँ, आर्गन, आर्गन गैस। ये देखो यहाँ से बोले सिलेंडर, लेकिन बोला तो सही, इतने से बल्ब में सिलेंडर।
लेकिन हिम्मत की दाद देना चाहिए थी। अगला सवाल, जब चूंकि हमें काटती है तो हमारे जिस्म में क्या पैवस्त करती है? चूंकि काटती है तो क्या पैवस्त करती है? चुपता क्यों चूंकि काटती तो? बार में कैसे? थोड़ा सा करीब जा रही है। जी आपा बोलिए पीछे वाली फॉर्मिक, तो बर्ब को थोड़ा, मैंने बोला एक अल्फाबेट चेंज करना, बर्मिक की जगह फॉर्मिक ऐसे करीब पहुंची है। टेंशन नहीं दीजिए भाई। खुश बर्फ किसे कहते हैं? खुश बर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। करीब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो है और ऑक्साइड भी है, लेकिन सही बता। आपका फाइनल जवाब बोलिए। जी बोलिए आप, लास्ट वाला बच्चा। ठोस कार्बन ऑक्साइड। आवाज की शिद्दत को नापने की इकाई क्या है? आवाज की शिद्दत को नापने की इकाई आवाज चिल्लाते हो एवढा किसलो नको म्हणजे कान फाटतंय, आणि कोण हलू बोलते अगो काय एवढा हलू बोलते मला ऐकलेच येत नाही, है ना। आवाज कम होता है और ज्यादा भी होता है ना, उसको भी नापने का एक जरिया है कुछ, जिसका पैमाना है उस पैमाने का। जैसे सोने के बारे में हमने पूछा, सोने को नापने का तरीका अलग, पैमाना अलग। अरे छोटे लड़के, छोटा लड़का नहीं, उसके पीछे वाली लड़की नहीं बाबा, डेसिबल। नेक्स्ट लड़की, समंदर में कौन सा नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है? बड़े आसान से सवाल आते हैं। आप लोग नहीं दोहराएंगे, बोलेंगे नहीं जब तक मैं पूछो नहीं। समंदर में कौन सा नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है? सुनता नहीं है क्या? उठ के मारो फटका, चलो करो। जी बोलिए। जी सोडियम क्लोराइड। किसी ब्लड बैंक में कितने अरसे तक अतिया किया हुआ या डोनेट किया हुआ खून जमा रखा जा सकता है? 10 से 20 दिन। बहुत सही जवाब। रात का अंधापन का मर्ज किस विटामिन की कमी की वजह से वाक्य होता है? रात्रि का अंधापन काय ठेस लगते हैं एवरी आंधी से किस बनता नहीं, तो कौन से विटामिन की कमी होती है? बोलिए, वक्त देखिए। जी विटामिन ए। अब देखो हमने विटामिन पूछा ना, कितने विटामिन होते हैं? ए बी सी, सिर्फ 4 है ना। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, ए मैं बोलता नहीं, बी मैं बोलता नहीं, सी नहीं, कुछ तो बोलती सही लगता तो मैं हाँ बोलता, सिर्फ ए बी सी डी गिनने का था। लाल लड़की बोलेगा, ओके इनको दीजिए। दूसरा राउंड, 20 सेकंड का वक्त। साथ में ये भी बता दूं कि अगले साल ये सवालात नहीं आएंगे। पिछली किताब 2016 से जो 2021 तक चली वो कैंसिल, अगले साल के लिए नई किताब, उस किताब का इजरा आपके इसी स्टेज पे इंशाल्लाह आज होगा। यहाँ किताबें आप खरीद सकते हैं, किताब मिलेगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कोकण में। सही जवाब। बहरी फौज का अफसर अलग क्या कहलाता है? तारीख जुग्राफिया शरीयत मिक्स। बहरी फौज का अफसर आला क्या कहलाता है? वक्त आपका शुरू हो चुका है। नेवी
नेवी का जी सर, हाँ एडमिरल, अक्वामे मुत्तहिदा का मरकजी दफ्तर कहाँ है? तारीख जोग्राफी शरीयत, अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन हेड ऑफिस कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यह औरतों के साल से सवाल है, किस रियासत पर औरतों ने 125 साल हुकूमत की? 125 साल हुकूमत की कौन सी रियासत थी हिंदुस्तान की? भोपाल। कहाँ की? भोपाल। हजरत जद्दोजहद आजादी की किस मशहूर खातून को नूर जहां सानी कहा जाता है? हजरत महल। सही जवाब। एक किलोमीटर कितने मील के मसावी होता है? एक किलोमीटर बराबर कितना माइल या कितना मील? 100 मीटर। माइल में कन्वर्ट करना, बोली कोई बात नहीं, गलत बात तो गलत बोला तो सही। 1000 नहीं, एक किलोमीटर को माइल में तब्दील करना है। 0.62 आपके लिए, ये माइक किस तरफ भेज दें। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ वाके है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे वाके है? जर्मनी। हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ वाके है? नई दिल्ली में। पाकिस्तान का शहर कराची किस समंदर के किनारे आबाद है? पाकिस्तान का शहर कराची किस समंदर के किनारे आबाद है? जी नहीं, आसान सा है, हाँ बहर अरब। हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में तो असातिज़ा कभी नहीं आए, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, चौथी से सातवीं के बीच में ऑफिस चले गए, कोई टीचर काम आए, तो हम लोग ना ज्योग्राफी का नक्शा निकाल लेते थे और उसमें है ना आपस में है ना वो खेलते रहते थे, एक मुल्क का नाम पूछते थे या वो कहाँ है वो कहाँ है, उस जरिए से ना अपनी ज्योग्राफी मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आप बच्चे भी है ना कुछ इल्मे ऐसे मशगले रखें, हॉबीज रखें, किताबें पढ़ें, अलग अलग मजामीन इंटरेस्ट के हैं वो पढ़ें, ये इल्म आपको आगे चल के हमेशा काम आएगा। असातिज़ा अपने तौर पर काम करते हैं, बच्चे भी अपने तौर पर कुछ मेहनत करें। हमारे माहौल में किस गैस का तनासुब सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। हाँ सही, ऑक्सीजन 78.9% है, सही जवाब है, माफ दीजिए। जो मैंने इनके लिए कहा था ना ए बी सी डी, तो ये इसने अभी हर बार मुझ पर आजमा लिया, इसे याद रखा था बराबर। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी काश्तकारी की यूनिवर्सिटी यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ वाक्य है? महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर वाक्य है, कौन से शहर में, कौन सी जगह पर? मुंबई। जी नहीं, फिर आप लोग वहां आपस में भी बात करें, बच्चे आपका सुन के जवाब देंगे। जी दापोली जिला रत्नागिरी, और लोकल लोग पुराने हमारे अम्मा लोग कहते दापोली को बोलते कापत। नेक्स्ट, 2011 की मर्दुमशुमारी के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल आबादी कितनी है? ये 2021 साल है, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था जिसको मर्दुमशुमारी कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट करो। 2011 की मर्दुमशुमारी यानी सेंसस के मुताबिक
महाराष्ट्र की कुल आबादी कितनी है? 11 करोड़। चलो अगर पूरा पूरा बोलो, 11 करोड़ के आगे भी बोलते तब भी मैं 11,23,72,792। आप 11 करोड़ के आगे आप अगर बढ़ती ना फटाफट, भले वक्त ज्यादा 2-3 सेकंड के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है ना? तो जवाब अधूरा था, मार्क्स नहीं दे रहे। जजायर एंडोमान निकोबार आइलैंड्स है ना, एंडोमान निकोबार की सबसे ऊंची बुलंद चोटी का नाम बताइए। एंडोमान निकोबार की बुलंद चोटी है उसका नाम बताइए। कलसु भाई महाराष्ट्र में ये खलीजे बंगाल में अंडमान निकोबार जजायर का सिलसिला है थोड़ा, तो वहां पे सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट हैरियट है। कौन सी है? माउंट हैरियट। मगरीबी घाट, याद रखो मगरीबी घाट और मशरिकी घाट किस मकाम पर एक दूसरे से मिलते हैं? दोनों घाट के सिलसिले किस मकाम पर एक दूसरे से मिलते हैं? उस पहाड़ का नाम बताएं, उस मकाम का नाम बताएं। कोहे नीलगिरी। जी जी माइक। चलिए अभी गिरियात का राउंड, तीसरा राउंड, इसमें 15 सेकंड का वक्त है सर, 15 सेकंड। चार रकात नमाज में कितनी बार अल्लाह हू अकबर कहा जाता है? 22 मरतबा। सही जवाब। आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरामन कातिबीन। सही जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई का नाम बताइए जो बहुत ज्यादा दौलतमंद था। कारून। सही जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? हजरत इब्राहिम साहब की कब्र कहाँ है? जी कौन आज घर का करीब जत्रोन में? वो कौन से नबी है जिनके हाथ लोहा नरम हो जाता था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब। मुर्दे को जिंदा करना और बीमारों को शिफा देना किस नबी का मौजूदा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब। किस नबी की कौम पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अवकात में टड्डियां मेंढक और खून की बारिश नाज़िल फरमाई, और कौन से नबी थे जिनकी उम्मत पर इतने सारे अज़ाबात आए थे? वक्त शुरू हो चुका है, वापस सवाल में दोहराऊंगा। से किस नबी की कौम पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अवकात में अलग अलग टाइम पे जो अजाब नाजिल फरमाया जैसे टड्डियां मेंढक खून की बारिश वगैरह, कौन से नबी थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? लोहार का। लोहार का। कुरान मजीद की कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? सूरह नमल। सही जवाब। कुरान मजीद में सूरह अंबिया कराम के नाम पर है 6 सूरह, अंबिया कराम के नाम पर है, जिनमें सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 6 सूरह कौन सी है? 5 मैंने बता दी। सूरह तौबा। के तौबा किसी नबी का नाम था? नबियों के नाम से 6 सूरह आए, 5 मैंने बताई, 6 आपने बताना है। जी सूरह हूद। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम क्या था? यसरा। मरने के बाद से लेकर अल्लाह के दरबार में पेश होने तक
के जमाने को क्या कहते हैं? बरजक। आलम बरजक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इस्लाम कबूल करने से कबल का नाम क्या था? मुसलमान होने से पहले उनका नाम क्या था? मुसलमान होने के बाद उनका नाम हजरत अबू बकर रखा गया, सिद्दीक उनकी सदाकत से लकब था। ये तो साहबी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब्दुल काबा, क्या नाम था? अब्दुल काबा नाम। तो ये कितने राउंड हुए? तीन राउंड हुए। मैं जिनके नाम पुकारूंगा वो बच्चे आगे आएंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, और जो कुर्सी पे बैठेंगे वो बैठे ही रहें, ठीक है? अभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इसकी तरफ जा रहे हैं। अब अगला जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए? सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए मुकाबला होगा। क्लियर बता रहा हूँ, जिनके मैं नाम पुकारूंगा, इधर का कोई होगा तो यहाँ खड़े रहेगा, इधर के रहेंगे यहाँ खड़े रहेंगे। शेख शेर, धनसार, आयशा सामने खड़े हैं, खतीब सलवा कोने यहाँ पे रहे, सना शादाब गजगे और अंतुले जुहैब जाहिद। अब पीछे से सवाल आएगा, जवाब आगे देख के दे, मैं कहीं से भी घूमते हुए सवाल पूछूंगा, ठीक है? जवाब कैमरे की तरफ देख के देना है। अभी आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलो आज भी राउंड देखते हैं हम लोग, आज भी राउंड आपके लिए। एक नंबर के लिए सवाल, भारत के किस मशहूर साइंसदान ने उर्दू में एक बाबी ड्रामे लिखे? भारत के किस मशहूर साइंसदान ने उर्दू में एक बाबी ड्रामे लिखे? अदबी राम। एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, 10 सेकंड का टाइम है। शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट आपके लिए सवाल, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार जलवी साहब किस गांव से ताल्लुक रखते हैं? पिंगारी दाबेल जिला दापोली। तालुका दापोली, तालुका दापोली। अभी पिंगारी नहीं है, पंगारी हो, वो दाबेल पंगारी भी जिसको कहते हैं। सही जवाब है। मशहूर किताब यूटोपिया के मुसन्निफ का नाम क्या है? थॉमस मोर। सही जवाब। अदब के शोबे में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? माइक चालू करें। नहीं, भारत का ग्लोबल तो ग्लोबल है। एक दो सेकंड शायद बचे होंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड जनाब हसन अब्दुल करीम चोगले साहब की पहली सवाने हयात का नाम बताइए। माइक दो उनको। हसन चोगले साहब, हसन अब्दुल, उनकी सवाने बायोग्राफी की पहली किताब जो छपी थी उस किताब का नाम क्या था? देखिए ये पीछे बैनर पे लिखा हुआ है, देखो हसन चोगले चेयरमैन आइडियल फाउंडेशन, ये उन्हीं के बैनर पे, उन्हीं का आइडियल फाउंडेशन का कोकन टैलेंट फॉर्म एजुकेशनल विंग है। हसन चोगले साहब दुआ करते में रहते हैं और उनकी बायोग्राफी किताब जो छपी थी नकुश हयात, बहुत सारे स्कूलों को डोनेट की गई थी। चल थोड़ा हम दुनिया की मालूमत पूछते हैं, दीनिया की थोड़ा सा पास है, दीनिया की। आपका नाम क्या बोले? आयशा। जन्नत और दोजख के दरमियानी जगह को क्या कहते हैं? सही जवाब। सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी नमाज? जी नमाज कुसूफ। राउंड पूरे हो गए, आ जाओ सब साथ में आ जाओ। आप लोग के सामने मुकाबला हो गया, सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट कौन था वो अभी क्यों डिक्लेयर करें? जिन्होंने ऑब्जर्व किया होगा किसके जवाब सही थे उनको मालूम है कि कौन फर्स्ट पे और सेकंड और थर्ड का भी क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया कोकन टेलीफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए।
आप सभी बच्चों को मैं बहुत ही दिल से मोहब्बत से प्यार से कहूंगा कि वाकई आप लोग काफी मेहनत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लंबे लंबे सफर करते हैं। जिस इलाके में मुकाबला होता है वहां के लोगों को मेहनत अपनी जगह पर, लेकिन दूर दराज से, उरन से, कोई पनवेल से, कोई श्रीवर्धन से, जंजीरा से भी लोग आते हैं, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं अपने हम पेशे साथियों से, अराकिन इंतजामिया से, प्रिंसिपल हजरात से, टीचर से मैं गुजारिश करूंगा। जुनेद साहब कि आप यहाँ देखते हैं जो बच्चे आते हैं आपके सामने होता है, कोई चीज अगर हमसे गलती खामी कमी रहती है तो आप फौरन तनकीद करते हैं, और आप पर हम एक फैमिली है या आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी तनकीद को या आपकी जो भी इख्तलाफ को हम इनकार नहीं करते हुए उसका मदावा, उसका कुछ खुलासा या उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे बच्चे इतनी मेहनत से जब आगे बढ़ाते हैं, जिक्रिया साहब, हमारे चांद साहब, ये बच्चे जूनियर कॉलेज तक तो हमारे हाथ में हैं, और ये आप हजरात की जो मेहनत है, इतना टैलेंट, ये आगे जाकर आगे क्यों नहीं बढ़ते, शायद हम उनको फॉलो अप नहीं करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से गुजारिश है, ये बच्चे आपके स्कूल से जाने के बाद भी थोड़ा फॉलो अप कीजिए, जहां इनको रहनुमाई की जरूरत हो रहनुमाई कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं कहता मैं फुला कॉलेज से पढ़ाऊ, सबसे पहले अपने स्कूल बताता है, सेकेंडरी स्कूल, जहां से उसको वाकई उसको किस अंदाज से ढाला जाता है, कैसे सवारा जाता है, जो तहजीब सिखाई जाती है वो लॉन्ग लाइफ याद रहती है। यही मेरा मैसेज, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों को आखिरी मुकाबले के जो हिस्सा थे अलविदा कहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नए साल में मिलेंगे, उम्मीद करते हैं आप और हम सभी सही सलामत रहें, मुख्तलिफ बीमारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आप सभी के जो रिश्तेदार इस कोरोना बीमारी में अल्लाह को प्यारे हो गए हो, इस दुनिया से चले गए हो, अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाए, किसी के माँ बाप, किसी के रिश्तेदार और कई लोगों के सैलाब और आंधी में नुकसान भी हो गया, इन सबसे बचते हुए अगर अल्लाह ने हमसे हमें यहाँ जिंदा रखा है तो यकीन हमसे कुछ खैर की, कुछ अच्छी चीजों की उम्मीद रखते हैं, हमसे कुछ अल्लाह चाहता है कि हम खैर के काम करें। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।